उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शही की राहत। कितना खूबसूरत शेर है कि उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शही की राहत, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। हजरत गिरामी, पिछले दिनों मैं एक वाक्या पढ़ रहा था। एक अल्लाह तबारक व तआला के बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम था बुअली। उनका एक मुरीद हज पर जाने लगा तो वो पहले अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ कि हुजूर, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, मदीना शरीफ की हाजिरी के लिए जा रहा हूँ, तवज्जो तलब बात है, थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो इंशाल्लाह शरूर आएगा। वो मुरीद अर्ज करता है कि या सैयदी, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ नसीहत फरमाई है, मुझे कुछ आदाब सिखाई है। तो हजरत बुअली फरमाते हैं, बेटा जब मदीने शरीफ जाना तो वहां के कुत्तों का भी अदब करना। क्या फरमाते हैं, बेटा हज के लिए जा रहे हो, मदीना शरीफ भी जाना है, जब मदीना शरीफ पहुंच जाओ तो वहां जाकर जो मदीना में कुत्ते चल रहे होते हैं तूने उनका भी अदब करना है। जो आपके बुजुर्ग हजरत अबू अली के मदीना शरीफ जाते हैं तो एक गली में से गुजर रहे हैं और मदीना शरीफ के कुत्ते की टांग के ऊपर उनका पांव आ जाता है और मदीना शरीफ के कुत्ते की टांग जो है ना वो जख्मी हो जाती है। अब जो मुरीद मदीना शरीफ गए हुए थे वो बड़े हैरान हुए, परेशान हुए कि मेरे मुर्शिद ने मुझे नसीहत की थी, बेटा मदीना शरीफ के कुत्तों का भी अदब करना, अब यहाँ अदब तो कुजा, मुझसे तो एक कुत्ते को तकलीफ पहुंच गई है, अजियत पहुंच गई है, अब मेरा क्या बनेगा। हजरत गिरामी, जब वो मुरीद हजरत अबू अली का वापस आता है, अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है तो क्या देखता है कि उनके मुर्शिद ने अपने बाजू के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, उनके मुर्शिद ने अपने बाजू के ऊपर पट्टी बांधी हुई है। और वो मुरीद पूछता है, या सैयदी आपको ये तकलीफ कैसे पहुंची, आपके बाजू के ऊपर चोट कैसे लगी। हजरत गिरामी थोड़ी सी तवज्जो, वो पूछते हैं, या सैयदी ये बताएं कि आपके बाजू के ऊपर चोट कैसे लगी। तो हजरत अबू अली फरमाते हैं, बेटा खुद तकलीफ देते हो और फिर पूछते हो कि तकलीफ कैसे पहुंची। हजरत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला के इतने बड़े बड़े बरगुजीदा वली, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे जब आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो इस हैसियत से हाजिर होते हैं। हजरत इमाम मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बारे में आता है कि आप सारी जिंदगी मदीना शरीफ में रहे। पूछा गया, या सैयदी आप मदीना शरीफ से बाहर क्यों नहीं जाते, तो वो फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया है, जिसको तौफीक हो वो मदीना में मरे, जो मदीना में मरेगा उसकी शफात मेरे ऊपर वाजिब है। मैं ये चाहता हूँ कि आका के फरमान के मुताबिक मेरी मौत जो है वो मदीना में हो, और जिस तरह आका ने फरमाया है जो मदीना में मरेगा मैं उसकी शिफात करूंगा। मैं ऐसा नहीं चाहता मैं बाहर चला जाऊं और मुझे मौत आ जाए और मैं आका की शफात से माज अल्लाह महरूम हो जाऊं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है, आज आप जब मदीना शरीफ की गलियों में चला करते, सफर करते, तो गली की साइड पे नुक्कड़ पे चलते। पूछा गया, या सैयदी आप गली की साइड पे क्यों चलते हैं, तो आप फरमाते हैं, बेटा नहीं पता कि आज से कुछ अरसा पहले यहाँ पर आमना के लाल चला करते थे, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि जहां आमना के लाल के कदम लगे हैं आज इमाम मालिक के कदम वहां लगे। हजरत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के शहर का अदब इस तरह किया करते थे। आज 1400 साल गुजरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हमारे भाई मोहम्मद नवीद मेहरवी के घर में बैठकर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का तज़किरा सुन रहे हैं और अपने ईमानों को ताज़ा कर रहे हैं। हज़रत गिरामी, अब मैं मुल्तमिश हूँ मेरे बखर के मशहूर मारूफ सलाखान जनाब भाई मोहम्मद नदीम चिश्ती साहब से। उनके अमल से पहले एक जोरदार नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर
دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، جناب بھائی محمد ندیم چشتی صاحب۔